शादी के चंद साल बाद की जिंदगी से मुझे महसूस होता है कि मैं उन खवातीन से मुख्तलिफ नहीं थी जो बांझपन का शिकार कहलाती हैं, लेकिन मैं तो बांझ थी ही नहीं। शादी के बाद इंसान की जिंदगी में बदलाव सा आता है, कायनात और भी हसीन लगने लगती, एक दूसरे के लिए जज्बा होता है। अगर दोनों एक दूसरे के जज्बात को महसूस करें तो एहसासात की कदर बढ़ जाती है, और अगर ऐसा ना हो तो जिंदगी के हसीन रंग और कायनात की खूबसूरती आंखों से उतर जाती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो, मेरे एहसासात और जज्बात बस खत्म होने को थे। हमारे मुआशरे में औलाद के हुसूल के लिए अगर जरा सी भी देर हो जाए तो औरत को सबसे पहले डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। यही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मुझे तो मालूम था ना कि हकीकत कुछ और है। वो मुझसे दूर दूर रहने लगे, बहाने बनाने लगे। वक्त तेजी से गुजरता रहा और चंद ही दिनों में मुझे ये महसूस होने लगा कि मैं वो अब सब कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगी जिससे हम दोनों की जिंदगी खुशगवार और खुशियों से भर जाएगी। हाल ही में की गई एक रिसर्च के मुताबिक अगर इस ज़वाजी जिंदगी में मर्द की वजह से मुश्किलात हो रही हूँ तो ऐसे में 66% मर्द हजरात अपने अंदर एक कमी महसूस करते हैं, मगर वो इस मौजू पर बात करना ही नहीं चाहते। इसकी वजह से हमारे मुआशरे की बहुत सी औरतों की जिंदगी तबाह हो जाती है, या तो वो बेबसी के आलम में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती है या फिर वो तलाक लेने पर मजबूर हो जाती है। मुझे तलाक लेना गवारा नहीं था और ना ही मैं सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारना चाहती। मेरे लिए ये नहायत ही मुश्किल लम्हात थे, क्योंकि मैं ये तो जान गई थी कि मेरे शौहर मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं और हमारे दरमियान कुर्बत के लम्हात भी बहुत कम थे। फिर मैंने खुद से ठान लिया कि मैं अपने शौहर को मुकम्मल तौर पर परखूंगी, हालांकि ये इतना आसान ना था। फिर मुझे रोशनी की एक किरण नजर आई। मैंने अपने शौहर की कंडीशन और फीलिंग्स को महसूस करना शुरू किया और उनकी इसी कंडीशन को मैंने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू की तो मुझे डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद की वीडियोस मिली। इन वीडियोस में वही वजूहात बताई गई थी जो मैंने महसूस की थी और जो मेरे शौहर के साथ पेश आ रही थी। फिर मुझे मालूम हुआ कि इसको वेनिस लीक और वेरिकोसील कहते हैं, तो मुझे हौसला हुआ। मुझे ये खौफ था कि अगर मेरे शौहर वेनिस लीक के ट्रीटमेंट के लिए मेरी बात ना माने तो फिर जिंदगी भर दिन के उजाले भी रात की तारीखी में बदल जाएंगे और हम दोनों ही औलाद की नेमत से महरूम रह जाएंगे। हमारे यहाँ तो शौहर नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, तो विनिस लीक को तस्लीम करना तो नामुमकिन सी बात है। मुझे ये लग रहा था कि मेरे शौहर को ये खौफ है कि अगर ये बात उनके दोस्तों में या बाहर कहीं निकल गई तो उनकी इंसल्ट होगी, लेकिन अगर कोशिश दिल से की जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है। और मैंने ये कोशिश की और अपने शौहर को एतमाद में लेकर डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद साहब के क्लिनिक पर जाने के लिए रजामंद कर लिया। बांझपन का शिकार सिर्फ ख्वातीन ही नहीं होती, बल्कि मर्दों की ऐसी हसास प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जिन प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपने पार्टनर के पास जाने से ही कतराते हैं, क्योंकि इनको ये मालूम हो जाता है कि वो इज़्दवाजी कुर्बत में अपने पार्टनर का साथ नहीं दे सकते। इसकी वजह से वो नफ्सियाती दबाव का शिकार भी हो जाते हैं। इनमें ज्यादातर तादाद में ऐसे मर्द हजरात हैं जिनको सिर्फ वेनस लीक और वेरिकोसील है। वेनस लीक के मर्ज को जांचना आसान ऐसे है कि इज़्दवाजी कुर्बत के दौरान मर्दों के उज़्व में खून भर जाता है और नॉर्मल हालात में ये खून ठहरा रहता है, मगर वेनस लीक की सूरत में खून की नालियों में लीकेज की वजह से खून जिस्म में दोबारा वापस चला जाता है और बस यूं महसूस होता है जैसे गुब्बारे से एकदम हवा निकल गई हो और मर्द हजरात को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाता है। मगर इसके साथ साथ अक्सर मरीज वेरिकोसील का शिकार भी होते हैं। ऐसी सूरत हाल का सामना करने वाले मर्द हजरात सुनी सुनाई बातों की वजह से अक्सर इम्प्लांट जैसे मुतबादल हल के लिए भी रजामंद हो जाते हैं, यानी दांत सोने की भी हों तो खाना चबाने की वो फीलिंग्स कभी नहीं आ सकती जो अपने कुदरती दांतों से लज्जत महसूस होती है। इसलिए आपको बेहतर ट्रीटमेंट का बरवक्त फैसला करना चाहिए। वेनस लीक, हमारा वेरिकोसील, ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, ये एक आम बीमारी है और अक्सर हमने देखा है कि वेनस लीक के जो मरीज़ हैं उनमें वेरिकोसील काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। अनलाइक यूजुअल पॉपुलेशन, वेनस लीक के जो मरीज़ हैं उनमें वेरिकोसील का होना कोई ऐसी अजब बात नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एजाज़ है कि हमने ये इलाज पाकिस्तान में भी मुतारफ़ कराया है।
और सैकड़ों की तादाद से मरीज सेहतयाब हुए हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें खुशियां हैं और साथ साथ औलाद की नेमत से भी मालामाल हुए हैं। ये इलाज हाईली टेक्निकल है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन इसमें कोई ख़ास बड़ी इंसिजन या काटा पीटी नहीं है। ये न्यूरोसर्जिकल एंडोवैस्कुलर टेक्निक की मॉडिफिकेशन है जो कि हम दिमाग में इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और इसमें आप बेहोश नहीं होते और आप देख रहे होते हो, लेकिन आप रिलैक्स होते हो और इसमें आपकी जो शरियानों का भाव है उनका उसको दुरुस्त किया जाता है, जिससे आपकी सेहत, आपकी तबीयत, आपके आर्ज़े में कमी आती है, आप बेहतर महसूस करते हैं और तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ माइल हो जाती हैं। हमने डॉक्टर इम्तियाज साहब की दी गई हेल्पलाइन पर कॉल की और वहाँ से मुकम्मल मालूमात लेने के बाद हम उनके क्लिनिक चले जहाँ हमें भरपूर एतमाद दिया गया। और सबसे पहले इसी एतमाद की वजह से हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलता हुआ नज़र आया। ये वो लम्हा था जब हम मियाँ बीवी को एक नई ज़िंदगी मिली और हमने मेरे शौहर के लिए इसी ट्रीटमेंट को लेने का फ़ैसला किया। और मेरे शौहर के चंद ही मिनटों के ट्रीटमेंट की वजह से हमारी ज़िंदगी भी रंगीन हो गई। अब हमें भी ज़िंदगी में रंगो नूर महसूस होते हैं और हर पल ज़हनी सुकून रहता है। एक दूसरे को देखने का अंदाज ही बदल चुका है। हालांकि औरतें ऐसे हालात में मर्दों को छोड़ जाती हैं और बहुत सी ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। अगर खुदा न खास्ता मैं भी यही सोचती, या मैं अलहदगी के बारे में सोचती, या मेरे शौहर किसी मुतबादल के बारे में सोचते, तो यकीनन वो फ़ैसला गलत हो। अगर आप विनिस लीक और विरिकोसील की वजह से अपनी ज़िंदगी में वीरानी महसूस करते हैं तो एक दूसरे को एतमाद मिले और काबिल भरोसा इलाज का फ़ैसला करें जैसे कि हमने किया। डॉक्टर इम्तियाज अहमद साहब इलाज से पहले आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे जैसे कि हमारी, और आप इसी ट्रीटमेंट का फ़ैसला करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपको शिफा देगा। अगर आप बहुत देर करते हैं तो फिर नुकसान आपका है और बीमारी बढ़ती चली जाती है, फिर उम्र के आप ऐसे हिस्से में पहुंचते हो कि रिकवरी बहुत मिनिमल हो जाती है। तो उस सिलसिले में ये गुजारिश है कि जितना जल्दी आप हमसे रابطہ कर सकते हैं आप रابطہ कीजिए, इंशाल्लाह हम आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे। डॉक्टर इम्तियाज अहमद अमरीका से इब्तदाई मशवरा मुफ्त देते हैं, फीस और दीगर अखराजात केस अप्रूव होने के बाद बताए जाते हैं। हमारी आइंदा सेशन की रजिस्ट्रेशन जारी है और जल्द मुकम्मल होने वाली है। प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज अहमद पाकिस्तान के दो शहरों में सफ़े अव्वल के अस्पतालों में इलाज की सहूलत फराहम कर रहे हैं। लाहौर में हमीद लतीफ़ अस्पताल और कराची के OMI अस्पताल में आप अपना इलाज करवा सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए राबेता करें 0330-296-3300। अपनी रिपोर्ट किसी भी वक्त इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा कॉल सेंटर सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक रोजाना खुला है।